अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। अरे भाई साहब चलिए, है ना हमारा ना बोली। आपको 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 इन साइड का थोड़ा डिस्टेंस रखो जी, डिस्टेंस रखो आप लोग ब्रदर्स, मीडिया ब्रदर्स, अपने अपने डिस्टेंस रख लो प्लीज। कुछ भी नहीं है, खाली पीली के इलाके बंद करके डाल डाले यहाँ पर। रिपोर्टा बताओ बोले तो रिपोर्टा भी नहीं बता रहे, एक एक जनों को जा रहे हैं घरों पे से उठा के लेके आ रहे हैं। रिपोर्टा बताओ बताओ कोई नहीं बता रहे, नहीं खाने को भी सही नहीं दे रहे यहाँ पर खाना। इन लोगों के रिपोर्टा आ गए बताओ बोल के बोल रहे हैं, रिपोर्टा कोई नहीं बता रहे इसमें। खाली कितने के दिनों से कैद करके रख लिए सरकार, रख लिए सही खाना नहीं सही पानी नहीं।
आज सुबह से 4-5 कंटेनमेंट जोन विजिट करके उसका इंस्पेक्शन करके उसके अंदर की स्थिति क्या है इसकी आज जानकारी लिए। ये अल मुस्तफ़ा कॉलोनी में एक लेडी से ही उसके परिवार को इन्फेक्शन हुआ और उस सिलसिले में यहाँ कंटेनमेंट जोन हमारे GHMC के तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरफ से सब लोग मिलकर एक जॉइंट टीम यहाँ पे 24 आवर्स काम कर रही है। कंटेनमेंट जोन के अंदर जितने लोग हैं उनके घर पे डोर डिलीवरी, इसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन सबका अरेंजमेंट किया गया है और हर कंटेनमेंट जोन में एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि GHMC के तरफ से कोई भी इमरजेंसी, चाहे वो डिलीवरी ऑफ फूड आइटम हो या मेडिसिन हो या और कोई चीज़ हो, इसकी पूरी अरेंजमेंट की गई है। ऐसे ओकेजन में हैदराबाद में आज जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं उसका पर्पस है कि अंदर के लोग बाहर नहीं जाएं, बाहर के लोग अंदर नहीं जाएं और 100% जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोक दिया जाए, यही एक तरीका है इसको रोकने का। ऐसे मौके पे मैं उन लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ और कुछ लोगों को वार्निंग भी देता हूँ कि जो लोग इस चीज़ को अभी भी लाइटली ले रहे हैं और बाइक पर इधर से उधर बिना मतलब का फिर रहे हैं उनका बाइक सीज कर लिया जाएगा और ज़रूरत है तो उनको जेल भी भेज सकते हैं। ऐसे मौके पे बहुत सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है और ये एक ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें केवल एक पुलिस डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जिम्मेवारी सबकी है, हर घर की है, हर इंडिविजुअल, हर कॉलोनी, हर मोहल्ला के सभी लोगों के हैं। आप लोग अपने एरिया से किसी को बाहर नहीं निकलने दें। जैसा आप जानते हैं ये वायरस खुद आपके घर नहीं आता है, आप घर से बाहर जाएंगे तभी आपके साथ ये वायरस घर आएगा, इसीलिए इसको अगर रोकना है तो आप घर के अंदर रहें। थैंक यू सर। एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आ रहा है वेस्ट जोन में।